अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर्थ है। टुडे वी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन ऑफ आर फर्स्ट चैप्टर। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर फर्स्ट क्वेश्चन, आर सेकंड क्वेश्चन, नाउ वी डिस्कस द थर्ड क्वेश्चन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वॉन्ट टू गिव यू इन्फॉर्मेशन दैट वेन एवर यू फाइंड द थर्ड क्वेश्चन यू हैव यू कैन फाइंड द क्वेश्चन नंबर टू ऑन पेज नंबर 543। द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर टू एंड द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री आर सेम। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन नंबर थ्री आ जाए या क्वेश्चन नंबर ये वाला क्वेश्चन नंबर टू आ जाए तो आपने दोनों के आंसर्स ये लिखना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बता चुकी थी कि क्वेश्चन नंबर वन से ये तीन लाइंस आप लोगों ने एक्सट्रैक्ट कर लेनी है और ये तीनों लाइंस आपने हर क्वेश्चन में ऐड करनी है। तो पहले क्वेश्चन नंबर थ्री में आपने ये तीनों लाइन लिखनी है, उसके बाद यहाँ से ये लिखना स्टार्ट कर देना है। तो हम पहला क्वेश्चन नंबर थ्री स्टार्ट करते हैं। वट अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खां आर द डिमांड्स दैट आर फ्रीडम मेक ऑन अस। लियाकत अली खां के मुताबिक वो कौन से मुतालबात हैं जो हमारी आज़ादी हमसे करती है या हमारी आज़ादी हमसे क्या मुतालबा करती है। हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, हम पाकिस्तान को किस तरह मजबूत बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे स्टूडेंट वो दो तरह से पूछ सकते हैं। एक इतना पूछ सकते हैं वट अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खां आर द डिमांड्स दैट आर फ्रीडम मेक ऑन अस, इतना भी पूछ सकते हैं, या वो ये भी पूछ सकते हैं हाउ कैन वी मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खां या बाय लियाकत अली खां। तो दो अलग क्वेश्चंस हमारे पास बन सकते हैं और आंसर इनका यही सेम होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू लियाकत अली खां, लियाकत अली खां के मुताबिक आर फ्रीडम मेक्स मैनी डिमांड्स ऑन अस, हमारी आज़ादी हमसे बहुत से मतालबात करती है। ही सेज, वो कहते थे लिबर्टी डज नॉट डिसेंड अपॉन अ पीपल, कि आज़ादी किसी कौम पर नहीं उतरती, पीपल मस्ट राइज देमसेल्व्स टू इट, बल्कि लोगों को खुद इसके लिए उठना पड़ता है। इट इज़ अ फ्रूट, ये एक फल है, दैट मस्ट बी अर्न, जिसे हासिल करना ज़रूरी है, बिफोर इट कैन बी इंजॉयड, ये एक ऐसा फल है जिससे लुत्फानंदोज़ होने से पहले इसे हासिल करना बहुत ज़रूरी है। आर फर्स्ट ड्यूटी इज़ टू आवर सेल्व्स, हमारी पहली ड्यूटी जो है वो हमारी अपनी ही है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी शुड मेनटेन आर फ्रीडम, कि हमें अपनी आज़ादी बरकरार रखनी चाहिए। इफ़ वी फेल इन दिस, अगर हम इसमें नाकाम हो गए, विल डिसग्रेस द फेयर नेम ऑफ आर कंट्री, तो इसका मुराद ये है कि हम अपने मुल्क का नाम जिल्लत में डाल देंगे। बट द मेंटेनेंस ऑफ फ्रीडम, लेकिन आज़ादी को बरकरार रखना रिक्वायर्स कंस्टेंट विजिलेंस, उसके लिए मुश्किल मजाजी की और मुश्किल निगरानी की बहुत ज़रूरत है। वी शुड वर्क फॉर इट, हमें इसके लिए काम करना चाहिए। वी शुड बी रेडी टू इंड्योर ट्रबल्स फॉर इट, हमें इसके लिए मुशक्क़त या मसाइब बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। आवर सेकंड ड्यूटी इज़ टू एडवांस आर कंट्री, हमारी दूसरी ड्यूटी क्या है, हमें अपने मुल्क को एडवांस करना होगा। फ्रीडम डज नॉट मीन फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन डोमिनेशन, आज़ादी का ये मतलब नहीं है कि बैरूनी जो गलबा है उससे निजात हासिल की जाए। इट इज़ एन ओल्ड आइडिया, ये एक पुराना ख्याल है। बोथ द गवर्नमेंट एंड द पीपल शुड बी फ्री, गवर्नमेंट को भी आज़ाद होना चाहिए और वहाँ के लोगों को भी आज़ादी होनी चाहिए। फ्रीडम फॉर अ कॉमन मैन मीन्स, एक आम आदमी के मुताबिक आज़ादी का मतलब ये है फ्रीडम फ्रॉम वांट, गुरबत से आज़ादी, डिजीज़ बीमारियों से आज़ादी, एंड इग्नोरेंस और जहालत से आज़ादी। यहाँ पर वो बात ये कर रहे हैं कि एक आम आदमी आज़ादी को इस तरह लेता है कि जैसे हम गुरबत, बीमारियों और जहालत से आज़ाद हो जाएं, तो ये आज़ादी है। इन ब्रीफ, मुख्तसर तौर पर, वी कैन मेक पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग, हम पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं, बाय मेंटेनिंग आर फ्रीडम, अपनी आज़ादी को बरकरार रखकर, एंड बाय मेकिंग इट अ वेलफेयर स्टेट, और इसे एक फलाही रियासत बनाकर। होप सो यहाँ तक आपको क्वेश्चन की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब हम अगला पोर्शन अपना स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आर फर्स्ट फ्रेजल वर्ब, सो इट्स टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम आर सिक्स फ्रेजल वर्ब। सो यू कैन फाइंड द सिक्स फ्रेजल वर्ब ब्रेक ऑफ। ब्रेक ऑफ का मीनिंग तोड़ कर अलग कर देना। तो आप नीचे यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म देखोगे, ही ब्रोक ऑफ द हैंडल ऑफ द डोर, उसने दरवाजे का हैंडल तोड़ कर अलग कर दिया। दिया एंड पे अलिफ आ रहा है, दाल, ये और अलिफ। जब भी अलिफ आ जाए, छोटी ये आ जाए या बड़ी ये आ जाए, तो आपने पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। और ये कौन सा टेंस बनेगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस बनेगा। तो ही ब्रोक ऑफ द हैंडल ऑफ द डोर। क्वेश्चन फ्रेजल वर्ब नंबर सेवन, ब्रेक आउट, अचानक शुरू हो जाना। कॉलेरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, हैज़ा शहर में अचानक शुरू हो गया। अलिफ आर है एंड पे, तो हम लोग ब्रोकन लिखेंगे, ब्रेक नहीं लिखेंगे, ब्रोकन आउट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर एट आप देख सकते हैं, पॉइंट नंबर एट, ब्रेक थ्रो, गुजर जाना। ही ब्रोक थ्रू द क्राउड, वो हजूम के अंदर से गुजर गया। एंड पे अलिफ आ रहा है, यहाँ भी हम ब्रोक लिखेंगे, ब्रेक नहीं लिखेंगे।
पॉइंट नंबर 9, ब्रेकअप, बंद कर देना। ही ब्रोक अप हिज स्पीच, उसने अपनी तकरीर बंद कर दी एंड टॉक टू मी, मुझसे बातें करने लग गया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे, ये यहाँ पर कंजंक्शन लगाई गई है एंड, इस मीन के कंजंक्शन लगाई है और हमारे पास दो सेंटेंस बन गए हैं, एक ये और एक एंड के बाद वाला। तो पहले क्या आप तर्जमा करें, ही ब्रोक अप हिज स्पीच, उसने अपनी तकरीर बंद कर दी, दी एंड पे छोटी ये आ रहा है, इस मीन ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। उसके बाद एंड टॉक टू मी, और मुझसे बातें करने लग गया, अलिफ आ रहा है, तो ये भी कौन सा टेंस हुआ, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। यहाँ पर हमने टॉक नहीं लिखा, हमने टॉक्ड लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और यहाँ भी हमने ब्रॉक लिखा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस मीन जिस टेंस में आपका पहला जो आपका पहला फिक्र है वो जिस टेंस में है, दूसरा भी उसी टेंस में होगा। एंड कंजंक्शन लगाने से आपका जो फिक्र है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। उसके बाद है पॉइंट नंबर 10, ब्रेक विद, तल्लुका तोड़ना, तल्लुका तोड़ देना। आई हैव ब्रोकन विद हिम, मैं उससे तल्लुका तोड़ चुका हूँ, चुका हूँ आ रहा है, तो इस वजह से हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रोकन लगाई है। बिकॉज ही इज़ नॉट अ गुड मैन, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी नहीं है। होप सो आपको इनकी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। हमारा पहला सेट कंप्लीट हो चुका है, अब हम कल से अपना जो सेट नंबर 2 है ब्रिंग, वो स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।